रो क्यों रहे हो? कौन रहा है यार। रो नहीं रहे हो ना? अब ये बताओ कि असल में फील कैसा कर रहे हो? ठीक ही है यार, देखिए क्या फील एक्सपीरियंस कर कैसा मिला? रहे। एक्सपीरियंस यही रह जाता बस बोलने को यार, नहीं, जाके वहां कैसा मिला? दो इंटरनेशनल में, फिर ये कहते रहो कि हाँ देखने कुछ को नहीं मिला। एक्सपीरियंस को लेके आए हैं यार, हर टीम कहती है यार। मैं दिल से अब तुम्हारा इमोशन एक्सपीरियंस चाहता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या मिला सीखने को, तुम्हें क्या समझ आया आज जब तुम गए और जब तुम मार रहे थे या पिट रहे थे, तो तुम्हें क्या समझ आया? मैं ये जानना चाहता हूं, बताओ, खुल के एक दो बोलो। चीज जैसे रोटेशन में टीम नहीं खोनी चाहिए, और मे बी अर्ली रोटेशन नहीं मारना था। हम ओके, खेल रहे थे अर्ली रोटेशन के जो नॉर्मली खेलते हैं, बट मैंने गौर किया कि वहां की सारी टीमें भाई लेट रोटेशन मार रही हैं, एज पे खेल रही हैं, मतलब सेंटर को ग्रैप ही नहीं कर रहा है, मतलब ही नहीं है बंदों को, जिसे जो सेंटर है खुला छोड़ दिया है, आओ जिसे बैठना बैठो, उसे मार के घेरेंगे। वो ये सीन, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ हम जैसा किए किए, बट हाँ आज वो आज का जो इन्हें सब जो टीजी और पीबीएस में देखा है, कल मैं समझता हूँ दोनों टीमें बढ़िया करेंगी, कल हमसे बढ़िया करेंगी, और मे भी मैं समझता हूँ टॉप 3 या टॉप 5 भी खत्म कर सकती हैं, हम तो तुम भी क्योंकि और क्योंकि हम भी दुआ ही करेंगे इस चीज पे। अब वो सीन है कि हाँ बोल सकते हैं कि अब यही बचता है बोलने का, कुछ बचा तो है नहीं कि हाँ एक्सपीरियंस मिला ये मिला, बट हाँ ठीक है कोई ना, होता है कुछ सीखे, कुछ गलतियां थी इम्प्रूव होंगी, बट अभी मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन रीजन में तो हम मार सकते हैं किसी भी टीम को, कभी भी किसी वक्त किसी जगह भी, कहीं भी बट अभी घूमो। हमारी टीम इंटरनेशनल टीम, इंटरनेशनल की अभी टीम में भी प्रिपेयर नहीं है उस हिसाब की। और हाँ वैसे भी हमारा पहले ही था, पहला वाला तो मैं कहना सबसे एक्सक्यूज हो इंपॉर्टेंट गया। चीज, जो जब तुम गेम खेल रहे थे तो मैं ना वॉच पार्टी कर रहा था इसका, एफएफएसी का, प्लेन्स का, ठीक है? सब तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट, इवन वहां पे क्रिटिसिज्म चल रहा था, जो चलना चाहिए मैं खुद क्रिटिसाइज करूंगा। यार क्रिटिसिज्म क्या है यार, सुनो तो मेरी बात। एक क्वेश्चन काम बहुत ही अच्छा क्या आया है, था, अच्छा करो तो सही, नहीं सही है यार, न्यूट्रल एक ऑडियंस चीज जो तो है ठीक सुनो, है, एक कुछ चीज तो तो होता ही सुनो, है। मेन 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 बात, एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मैंने बहुत छाती ठोक के भी दिया था। लोगों ने कहा कि माइट बी पॉसिबल डीजी टूटेगी ना, बस लाइक कि नहीं टूटेगी, आई विल मेक श्योर, बस ये आंसर अरे डीजी करो, नहीं नहीं टूटेगी टूटेगी ना। यार गाइस, ये वही डीजी है जिसने एफएफआईसी में भी कमबैक किया, और किसी को लगता है कि किसी भी टीम को या किसी भी को भी लगता है कि वो हमसे बेटर कर सकता, तो भाई चले जाते हैं वहां पे, सिंपल बात है, मेरा एक सिंपल बोलना है, वहां चले जाते हैं, हम मेहनत से गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने रखी रखाई दे दी थी एफएफआईसी में फोर्थ पोजीशन, हमने भी वहां अर्न किया है इसलिए हम खेल के आए हैं। और कहना होता है कि कुछ होते हैं ऑडियंस कि इस प्लेयर को ले जाते, उसको ले जाते, इसको ले जाते, भाई अगर मैं एक्सपीरियंस प्लेयर को ही लेके खिलाऊंगा तो फिर मेरी टीम को एक्सपीरियंस कब मिलेगा? अब मैं किसी एक्सपीरियंस टीम को लेके एक्सपीरियंस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड करूंगा और मैं उसे खिलाऊंगा, फिर मेरी टीम को एक्सपीरियंस कब मिलेगा? उस बंदे को भी तो उससे पहले एक्सपीरियंस मिला है, वो भी तो कभी ना कभी पहला मैच खेला है इंटरनेशनल, अब बंदे खेले हैं। अब सपोज मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम एफएफआईसी स्प्रिंग खेले, 10th 11th आए थे हम, ठीक है, वो पहला एफएफआईसी था मेरी टीम का, बंदे उसमें समझे कि प्रेशर हैंडलिंग क्या होता है, क्योंकि कहना आसान होता है, देख सिंपल कहता हूं कि देखना बहुत आसान होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे ये नहीं करना था, इसके पीछे टीम है, ये मार देगी आके, वो तुम लोगों को दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सही बात है। अंदाजा है इंडिया रीजन में बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल का भी नहीं बोलता, इंटरनेशनल अंदाजा भी नहीं होता, इंडिया रीजन में अंदाजा है कि हाँ उधर से वो टीम आ जाएगी, इधर से ये टीम आ जाएगी, इधर से ये, तो हम सैंडविच ना हो जाए तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं, हम इंडिया रीजन में कर सकते हैं ये चीज, बट इंटरनेशनली का सीन ये है कि मैंने खुद देखा अच्छा, गिरी चुरी टीमों का ड्रॉपिंग सिर्फ सेट है, सिर्फ एक चीज बताओ, एक प्लेयर्स चीज फिट रही है या कोई सुनो टीम तो, अर्ली अर्ली रोटेशन को ले ही नहीं रहे। फैक्ट्री लिया तुमने चौथे गेम में, फैक्ट्री वाला मोमेंट बताओ क्या था? अगर पहला जोन जो था, जो तुमने पकड़ा था यहाँ पे क्लॉक टावर के नीचे वाला, मैंने कहा अगर यहाँ पे अपने तीन प्लेयर लेके आ जाता, तुम लोग इमेजिन करो अरे मैं गारंटी दे रहा था वो कि गेम अगर बुया उस था। वो जोन सेम, पता है वो जोन सेम था एफएफआईसी जैसा, सेम हाँ एफएफआईसी जैसा जोन था, हमने स्टार्टिंग में देखते जैसे हमने जोन देखा ना, मैंने बोल दिया अगर ये अगर हमने कैप्चर कर लिया चारों पहुंच गए तो मैंने बोला दम नहीं है किसी में कि हमारा भैया यहां से कोई रोक दे, बट वही सीन हो गया कि एट द एंड मैं अकेले ही पहुंच पाया, और फिर वही हो सकता है वहां से टॉप 4 टॉप 3 टॉप 5 भी हो सकता था, और कुछ पॉसिबल, हाँ बट ये गारंटी थी अगर वहां चार बंदे मेरे